खेलों के सबसे बड़े महाकुंभ में मेडल की उम्मीद लिए जब भारतीय तीरंदाजी टीम ने लंदन की सरजमीं पर कदम रखा तो हर किसी की जुबान पर यही था कि अर्जुन की नगरी से उसका दूत आया है। और इस बार भारतीय तीरंदाज मेडल पर सटीक निशाना साधेंगे। तीरंदाजी में लगातार कई साल से पदक के सूखे को खत्म करने के लिए भारतीय तीरंदाज भी इंडिविजुअल और टीम इवेंट में अपनी मजबूत चुनौती का दावा कर रहे थे, लेकिन कहते हैं ना कि हवाओं का रुख कभी भी नतीजे को बदल सकता है, और हुआ भी ऐसा ही। तीरंदाजी टीम के सपने इसी हवा की भेंट चढ़ गए। तीन महिला और तीन पुरुष खिलाड़ी समेत 6 सदस्यीय तीरंदाजी टीम ने लंदन ओलंपिक में फैंस को निराश कर दिया। कोई भी तीरंदाज मेडल राउंड की दहलीज तक भी नहीं पहुंच सका। भारतीय पुरुष तीरंदाजी टीम ने लंदन ओलंपिक में अपने अभियान की शुरुआत जब लॉर्ड्स के मैदान से की तो ऐसा लगा कि इस बार मेडल मिलना तय है, लेकिन शायद किस्मत में हार और निराशा काफी पहले से तय थी। टीम इवेंट में भारतीय पुरुष टीम को प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में जापान के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। जयंत तालकुदर, राहुल बनर्जी और तरुणदीप रॉय की तिकड़ी ने अपने निराशाजनक प्रदर्शन से फैंस के उम्मीदों को तोड़ने का शुभारंभ कर दिया और भारतीय तीरंदाजी टीम सबसे आखिरी पायदान 12वें नंबर पर रही। भारत की पुरुष तीरंदाजी टीम की शिकस्त के बाद महिला टीम ने भी लंदन ओलंपिक में निराशाजनक प्रदर्शन जारी रखा। और हार के दर्द को दोगुना कर दिया। लॉर्ड्स के मैदान पर टीम इवेंट के क्वार्टर फाइनल में भारतीय महिला तीरंदाजी टीम को डेनमार्क ने 211-210 के अंतर से हराया। दुनिया की नंबर वन तीरंदाज दीपिका कुमारी, बोम्बालिया देवी और सी सुरो की टीम महज एक पॉइंट से हार गई। टीम इवेंट में मिली हार के बाद जब भारतीय तीरंदाज अपने अपने इंडिविजुअल मुकाबले में उतरे तो यहां भी नाकामी ने पीछा नहीं छोड़ा। राहुल बनर्जी, जयंत तालुकदार, तरुणदीप रॉय जैसे दिग्गज तीरंदाज अपने अपने मुकाबले में मेडल के राउंड तक भी नहीं पहुंच सके। इंडिविजुअल इवेंट में भी राहुल, जयंत और तरुणदीप सटीक निशाना साधने में नाकाम रहे। महिला टीम में शामिल सी सुरो, दीपिका कुमारी और बोम्बालिया देवी की हालत भी हार के रंग में रंगी रही। सी सुरो व्यक्तिगत एलिमिनेशन राउंड में हारी थी। बोम्बालिया देवी ने अपने निशाने का थोड़ा दम दिखाया, लेकिन उनकी भी किस्मत में हार ही लिखी थी। ओलंपिक में बची खुची कसर दीपिका ने पूरी कर दी। भारत की सबसे बड़ी उम्मीद दीपिका कुमारी मैच के पहले ही राउंड में हार कर हंसते हुए बाहर हो गई। दीपिका की हार के साथ ओलंपिक के तीरंदाजी खेल में भारत की चुनौती बिना कोई मेडल हासिल किए खत्म हो गई। उम्मीदों के रथ पर सवार होकर भारतीय तीरंदाजी टीम लंदन तो बहुत कुछ लेकर पहुंची थी, लेकिन जब देश वापस लौटी तो उनके हाथ खाली और चेहरे पर निराशा के सिवा कुछ भी नहीं था, क्योंकि फैंस के साथ खुद खिलाड़ी को भी मेडल ना हासिल होने का डर था। लंदन से ऋषभ शर्मा के साथ रजनीश कुमार, लाइव इंडिया, दिल्ली।